Global advertiser for innovative outdoor solutions. Global as a company, it has never compromised on its service quality and commitment. And that is the reason our clients do keep on coming again and again to us for our service. The mission of the company is to rise on the graph of betterment for every campaign handled by us. Global advertiser for innovative outdoor solutions. आज फिर हरदोई जिले के कथित भाजपा नेता व ग्राम प्रधान पति की दबंगई का मामला प्रकाश में आया है। कुछ दिन पूर्व एक युवक को इस कदर पीटा था कि उसके दोनों हाथ टूट गए थे, जिसके बाद पीड़ित पक्ष ने थाने में मामला आकर दर्ज कराया था। उसी मामले को लेकर बीती रात आरोपी ने अपने तमाम साथियों के साथ मिलकर फिर से पीड़ित परिवार पर हमला बोल दिया, जिस कारण आरोपी ने कई राउंड फायरिंग भी की और पीड़ित के घर पर ईंट और पत्थर भी चलाए, जिसके बाद सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस कई लोगों को गिरफ्तार भी किया और पुलिस पूरी रात भर पीड़ित परिवार के घर पर बैठी रही। कौन है ये लोग? कमलेश है और का नाम अनुज है, उनके भैया प्रदीप और उनके दो लड़का। और क्या हुआ था? कुछ गोली वाली? हाँ भैया, फिर देखा हमार लड़का कहाँ का मतलब छुटाई छुटाई लम सब मेहरुआई आदमी भैया ते ना हरदोई के रहे मेहरुआई सब जानी छुटाई ले यार भीतर का बंद कर लो कमाड़ा बंद कर ले। और फिर देखा गए लाठी डंडा लेके करीब सौ डेढ़ सही आदमी आए। अब फिर भैया हमारे कमाड़न में धड़ा धाड़ मारी ईंट मारे पत्थरा मारे, फिर हम लोग सब जाने ऊपर बंद हो गए छठी पर चढ़ी गए सब जाने हम ईंटा कोहरा उठाओ। फिर कम से कम ना तीन लोग फायरिंग करी। हाँ जब फायरिंग करी तब हम लोग रोए चिल्लान, फिर सब नंबर पुलिस बुलाई पुलिस आई। कौन है प्रधान है क्या है? प्रधान है कमलेश मौजूदा उनकी दुल्हन लक्ष्मी। मतलब जो कोटेदारी का चुनाव के लिए यहाँ वोट मांगने आए थे और वोट इस तरीके से मांग रहे थे, जबरदस्ती वोट मांग रहे थे और वहाँ मतलब वोट के तौर तरीके से कहने लगे कि अगर जिसने वोट नहीं दिए, जिस तरीके से हमने विरोधियों को दोनों हाथ और पैर तोड़ दिए हैं, उसी तरीके से पूरे मोहल्ले वालों का सबके हाथ पैर तोड़ देंगे। तो उस दशा में हमारा भैया आग ताप रहा था, तो भैया ने कहा किसको गाली दे रहे? तो कहने तुमको दे रहे हैं, तुम्हारे बाप को दे रहे हैं। फिर भैया को तुरंत उठाकर उधर गली है उधर उसको पीटने लगे जाकर मारने लगे जाकर। फिर हम लोगों ने बचाव बचाव करके उसको भैया को अंदर किया। फिर भैया मतलब वो लोग कम से कम 20-25 लोग आए पहले घर पर पत्थरबाजी करने लगे, फिर वो लोग घर चले गए, फिर वहां से कम से कम 100-150 लोग लेकर आए, फिर घर पर पूरी चढ़ाई की और कम से कम 3-4 बार फायरे की और लाठी डंडों से बहुत ज्यादा हमारे गेट को मतलब नुकसान पहुंचाया और हमारे घर में तकरीबन आधा घंटे जो है पत्थरबाजी करते रहे और हम लोग छत के ऊपर चले गए। छत के ऊपर चिल्लाने से और 100 नंबर से जब फोन किया तब पुलिस आई तब लोग वो लोग भागे। अच्छा ये जो है किस पार्टी से संबंध रखते हैं? भाजपा पार्टी से संबंध है इनका अच्छा खासा और जो है मौजूदा स्तर में प्रधान पति है, इनकी बीवी जो है इनकी पत्नी लक्ष्मी सिंह प्रधान है। थाना क्षेत्र की है जो है जहाँ कल रात ये राशन की कोटेदारी में चुनाव होना था आज और उसके लिए वोटों की मांग करने के लिए जो है वहाँ पर ग्राम प्रधान कांग्रेस के द्वारा जो है लॉबिंग की जा रही है। तो दूसरे बोलने नगर और वहाँ गांव के रहने वाले जो लोग हैं उनसे कुछ पहले से सीधी थी जिनसे उनसे मारपीट हुई। इस घटना पर पुलिस द्वारा तत्काल जो है संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की गई, दोनों पक्षों से कुछ लोगों को उठाया गया और उनको 151 में चालान कर दिया गया। यूपी के हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। शाहबाद में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन जिला अधिकारी हरदोई पुलकित खरे ने की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर फरियादियों की काफी भीड़ इकट्ठा हो गई। फरियादियों ने अपनी अपनी शिकायतें जिला अधिकारी के समक्ष पेश की। इस मौके पर हरदोई जिले के युवा तेज तर्रार जिला अधिकारी ने एक नई पहल तत्काल समाधान दिवस को हरी झंडी दिखाकर शुभारम्भ किया, जिसके जरिए आए हुए समाधान दिवस में बहुत पहले से लंबित चली आ रही महत्वपूर्ण 10 शिकायतों का चयन कर संबंधित विभाग के अधिकारी के साथ एवं थाना पुलिस बल को शिकायतकर्ता के साथ ही समाधान दिवस के दिन ही मौके पर भेजकर शिकायत का निस्तारण कराया जाएगा। जनपद हरदोई में हम लोग एक नई पहल कर रहे हैं, एक नई तरीका इजाद करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिसमें
शिकायतकर्ता बार बार अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाता है, कभी वो थाने जाता है, कभी समाधान दिवस जाता है। समाधान दिवस पे भी आमतौर पे हम या फिर राजस्व के लिए या थाने के लिए लिख देते हैं और फिर वो एप्लीकेशन मार्क होने के स्तर पे ही रह जाती है। इसको हल करने के लिए हम लोगों ने तत्काल समाधान ये करके एक तरीका ईजाद करा है, जिसमें शिकायतकर्ता को, उससे संबंधित राजस्व कर्मी को, संबंधित पुलिस कर्मी को एक गाड़ी में बैठा के उसी समय यहाँ से मौके से रवाना करा जाता है। और इस तरह की 10 ऐसी शिकायतें चिन्हित करी जाती हैं जो काफ़ी समय से पेंडिंग चली आ रही हैं, काफ़ी समय से शिकायतकर्ता भटक रहा है अलग अलग जगहों पे, उनको आज गाड़ी में रवाना करके शाम तक उनसे रिपोर्ट ली जाती है। इससे ये सुनिश्चित होता है कि पुलिसकर्मी, राजस्व कर्मी, उनका समन्वय रहे, दोनों मौके पर रहें, शिकायतकर्ता भी वहाँ पर रहे, गाँव में कुछ अन्य गवाह, विपक्षी पार्टी सब मिल जाएँ, जिससे ये सुनिश्चित है कि एक पुख्ता निस्तारण उस समस्या का हो सके। सर, राशन कार्ड की समस्या को लेकर हरदोई जिले के लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, सर आपकी तरफ से इसके लिए कोई पहल की जाएगी? आज समाधान दिवस के अवसर पे भी राशन कार्ड की कई परेशानियों को लेके वार्ड मेंबर भी, ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी, सब लोग मिले थे। आने वाले समय में सभी ईओ से मैंने बात करी है कि वार्ड वाइज कैंप लगाए जाएंगे। इन कैंप्स में ये सुनिश्चित करा जाएगा कि जिनके गलत कार्ड बने हैं उनके कार्ड कटने की कार्रवाई और जो पात्र लोग हैं उनके नए कार्ड बनने की कार्रवाई। यूपी के हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। डीएम हरदोई पुलकित खरे ने विकास खंड कछोना के बेसिक विद्यालय को मॉडल के रूप में स्थापित करने का मीना उठाया। इस संबंध में उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ रूपरेखा तैयार की। जिलाधिकारी ने कहा कि मॉडल के रूप में उन्होंने विद्यालय में भवन की रंगाई पुताई, साफ सफाई, विद्युत पेयजल, शौचालय, वृक्षारोपण आच्छादित हो तथा बच्चों की शिक्षा की गुणवत्ता और विशेष हो। उन्होंने उपस्थित सभी खंड शिक्षा अधिकारी तथा HCL फाउंडेशन के पदाधिकारियों से कहा कि समन्वय बनाकर उन सभी विद्यालयों को चिन्हित किया जाए जिन विद्यालयों में मानक के अनुरूप व्यवस्थाएं नहीं है। यूपी के हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी खिलाओ अभियान के क्रम में 10 स्क्वायर क्रिकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से धर्मेंद्र पाल सिंह और सुधा सिंह कप 2018 का आयोजन RR इंटर कॉलेज में किया गया। नगर मजिस्ट्रेट वंदिता श्रीवास्तव ने अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट चैंपियनशिप 2018 का शुभारंभ किया। फेडरेशन के अध्यक्ष अभय शंकर गौड़, उपाध्यक्ष समीर सिंह, महासचिव गोपाल मिश्र की मौजूदगी में शुभारंभ हुआ। भारत टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 94 रन बनाए, नेपाल की टीम 93 रन ही बना सकी और वो 1 रन से हार गई। वुमेन ऑफ द मैच का पुरस्कार भारतीय टीम की कप्तान राधा चंद्र को दिया गया। इस मौके पर शाहजहांपुर के जिला क्रीड़ा अधिकारी अमीनेश सक्सेना, हबीबुल्ला, राहुल मौर्या मौजूद रहे। यूपी के हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। शहजादे सिंह मेमोरियल सोसाइटी के तत्वावधान में निःशुल्क फिजियोथेरेपी शिविर का आयोजन लखनऊ रोड स्थित एम्स हॉस्पिटल में किया गया। शिविर का उद्घाटन डॉक्टर SS तोमर ने किया। उन्होंने कहा कि समय समय पर फिजियोथेरेपी शिविर के माध्यम से गरीब और असहाय लोगों की सेवा करने का प्रयास किया जाता है। उन्होंने बताया कि लगभग 150 मरीजों का परीक्षण किया गया। शिविर में जो है हमारी जो संस्था चल रही है शहजादे सिंह मेमोरियल सोसाइटी, उसके सौजन्य से एक निःशुल्क फिजियोथेरेपी शिविर का आयोजन किया गया है। इस शिविर में हड्डी से संबंधित और मांसपेशियों से संबंधित रोगों का निःशुल्क परामर्श और इलाज किया गया है और इस शिविर में लगभग 300 मरीजों का रजिस्ट्रेशन करके उनका उपचार निःशुल्क किया गया है और भविष्य में हम लोगों ने कहा है कि ऐसे ही और कैंप इसी तरीके के शिविर लगाते रहेंगे, ठीक है, और इस तरीके के कैंप हमारे यहाँ लगते रहते हैं, हर 6 महीने पे एक एक दो दो कैंप लगते रहते हैं। यूपी के हरदोई से की रिपोर्ट। यूपी के कौशाम्बी जिले में खस्ता हाल सरकारी महकमे के वाहन का ताजा वीडियो सामने आया है, जिसमें तहसीलदार सिरातू के वाहन को स्टार्ट करने के लिए उनके अर्दली और सुरक्षा गार्डों को धक्का लगाना पड़ रहा है। मिली जानकारी के अनुसार तहसीलदार सिरातू बीड़ी गुप्ता पाइंस थाना इलाके में एक सरकारी जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त करने की कार्रवाई करने गए थे। कार्रवाई खत्म होने के बाद जब वो अपने तहसील जाने को गाड़ी में बैठे तो उनका सरकारी वाहन स्टार्ट नहीं हुआ। इसे देख जनता के सामने तहसीलदार साहब को काफी किरकिरी झेलनी पड़ी। गाड़ी के स्टार्ट न होने पर तहसीलदार साहब काफी नाराज हुए और अपने खटारा वाहन में जाकर बैठ गए। साहब की गाड़ी में बैठते ही उनका अर्दली और सुरक्षा में लगे होमगार्ड गाड़ी को धक्का लगाकर स्टार्ट करने की कोशिश करने लगे। काफी दूर तक धक्का लगाने के बाद ड्राइवर ने गाड़ी को स्टार्ट कर आगे अपने दफ्तर लेकर चल दिया।
तहसीलदार साहब की है। कहाँ के तहसीलदार साहब? सिराथू। गाड़ी में धक्का क्यों मारा जा रहा था? अरे बिजली हुई है। यूपी के कौशाम्बी से अखिलेश कुमार की रिपोर्ट। आज वार्ड नंबर 17 पालिका बाजार में दो लोगों द्वारा हवाई फायरिंग की सूचना मिली, जिस पर मौके पर पुलिस बल पहुंचा और प्राप्त जानकारी के अनुसार बिना नंबर की बाइक पर दो लोग सवार थे, जिन्होंने मौके पर फायरिंग की। गनीमत रही कि मौजूदा भीड़ ने अपनी सूझबूझ से आरोपियों को धर दबोचा, जिनकी पहचान श्याम सिंह मीणा पिता विजय सिंह मीणा निवासी कालिया खेड़ी थाना कुमराज, महेंद्र सिंह मीणा पिता हरि प्रसाद मीणा गीता नगर कुमराज है। मौके पर विधायक जयवर्धन सिंह भी पहुंचे, जिन्होंने घटना की पूरी जानकारी ली और एएसपी सत्येंद्र सिंह तोमर को आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। हम लोगों को मंदिर के पीछे बैठे बैठे पालिका गेट वाला मंदिर, तो वहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे सर, उधर से पहले एक आदमी धक्के निकला, हम लोगों ने ये सोचा कि ऐसे ही मस्ती कर रहा होंगे सर, नीचे से दूसरा आदमी जो निकल रहा था उसके पीछे से आवाज़ आई कि चोरी करके भाग रहा है, तो हम लोगों ने उसे पकड़ा सर, उसने कट्टा निकाला, कट्टे को लोड किया, फिर इसके बाद में फायरिंग की, तो मेरा एक दोस्त नहीं आता तो मैं आज मर जाता। तो फायरिंग किस पे आपके करी? हाँ। जी तो आपके कहीं लगी ही नहीं? जी सर, इसमें मतलब कट्टा छुड़ाने में खरोच आई है सर। कितने लोग थे जिन्होंने आपको पाया? वो लोग एक ही था, तीन थे, तीन थे, एक भाग गया, एक दो पकड़े हुए थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू भार्गव। कहाँ का निवासी? पालिका बाजार। पालिका बाजार। उनसे क्या कोई दुश्मनी वगैरह थी क्या? नहीं सर, कुछ किसी पार्टी में काम कर रहे थे? किसी पार्टी में काम नहीं करते, नहीं किसी से, बीजेपी कांग्रेस का कुछ नहीं, नहीं सर किसी पार्टी से नहीं, हम लोग तो जो भी हम लोग को बुलाता सर उसको ही चले जाते। राघोगढ़ से आकाश सोनी की रिपोर्ट। नगर पालिका सबलगढ़ आए दिन ठेकेदारों की चारागाह बनती नजर आ रही है। निर्माण कार्यों के लिए रेवड़ी की तरह बटोना बांट कर ठेकेदारों को खुश किया जा रहा है, तो वहीं ठेकेदार नगर पालिका के निर्माण कार्यों को उल्टा सीधा करके गुणवत्ताहीन कार्य करने लगे हैं। नालियों और फुटपाथ के पास निर्मित नालियां घटिया काम, सिर्फ मिट्टी व रोड में डाली गई है, केवल सड़क के बगल से मिट्टी को निकाल कर एक साइड सीमेंट कर रेत लगा कर बनाई जा रही है, जहां पुराने पेड़ जो नगर पालिका ने दुकानदारों से 500 प्रति पेड़ लेकर लगाए थे, उनके लगे होने से रास्ता नाली बनाने का नहीं बचा, होने से नाली की खाना पूर्ति करा के जनता के साथ शासन के पैसे की बर्बादी पूर्व के नालों की तरह की जा रही है। बरसात के पानी का निकास नहीं हो सकता है, लाखों की राशि का ठेकेदारों और अध्यक्ष की मिलीभगत से बंदरवाड किया जा रहा है, जिससे अध्यक्ष महोदय का 50% कमीशन लिया जाता है। स्वच्छता अभियान की राशि को ठेकेदारों के माध्यम से दुरुपयोग किया जा रहा है। नगर पालिका के अंदर इतनी हजारत का माल बना हुआ है, नगर पालिका अध्यक्ष गीता श्री चौधरी द्वारा आज 11 माह व्यतीत हो चुके हैं, कोई परिषद की बैठक नहीं दी गई है, न परिषद का कोई आज दिनांक तक वो अपनी पीआईसी नहीं बना पाए हैं, पीआईसी से तीन सदस्य इस्तीफा दे चुके हैं। आज फायर और नगर पालिका के अंदर फर्जी फाइलों का जमाखाना बना हुआ है, अध्यक्षों द्वारा फर्जी फाइलें तैयार की जा रही हैं अपने 36 ठेकेदारों के लिए, और नगर पालिका की क्या कहते हैं वो धन का दुरुपयोग किया जा रहा है, और अपने अपने 36 लोगों को अनावश्यक खरीदारी की जा रही है। नगर पालिका अध्यक्ष कौन है? श्रीमती गीता चौधरी। तो कौन सी फाइलें तैयार की जा रही है उनके जी? टेंडरों के जो एक लाख की फाइलें, 49,000 की फाइलें बिना फर्क ऑर्डर की तैयार की जा रही हैं सीएमओ द्वारा, अध्यक्ष द्वारा अपने लोगों को, और शहर के अंदर कहीं भी कोई ऐसे कोई काम नहीं किया गया। आज देखा जाए तो उनको देखा जाए तो नहीं, नगर पालिका का माल गर्म खराब पड़ा हुआ है, अध्यक्ष महोदय कभी नगर पालिका उसमें बैठती नहीं है। सबलगढ़ से हरिओम शर्मा की रिपोर्ट। वडनगर के व्यापारी श्री नाथ ज्वेलर्स काका की दुकान के ब्रजमोहन सेठ विनय नीमा मुनि मुकेश चौधरी ग्राम दसई से हाट बाजार की ग्राहकी करके वापस अपनी टवेरा गाड़ी में बैठकर वडनगर आ रहे थे, तभी उसी दौरान रास्ते में दत्ती गारा से खंडी गारा के बीच करीब 15-20 अज्ञात बदमाशों ने बुलेरो पिकअप वाहन से ओवरटेक कर उनकी गाड़ी को रोक लिया और उनकी कार के समीप आकर खड़े हो गए और उनके साथ मारपीट कर टवेरा में रखे ग्राहकों के बेचने के आभूषण भरी हुई पेटियां ले गए। आभूषण में 1 किलो सोना, 60 किलो चांदी व नकदी भी बताई जा रही है। टवेरा चालक बद्रीलाल और उसमें बैठे सभी व्यापारियों के साथ मारपीट की गई। वाहन में तोड़
फोड़ कर चाबी भी ले गए। चर्चा है कि बदमाश वाहन से आए थे, पहले से ही घटना को अंजाम देने के लिए तैयार खड़े हुए थे। जैसे ही टवेरा आई, बदमाशों ने रोककर मारपीट के साथ लूटपाट शुरू कर दी। सभी घायलों को शासकीय अस्पताल बदनावर लाया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा एक बिना नंबर की बाइक भी मिली। पुलिस द्वारा नाकाबंदी कर पूरी रात छानबीन की गई। रात करीब 9:30 बजे पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र सिंह और क्राइम ब्रांच के अधिकारी थाने पर पहुंच गए और जांच की समीक्षा की जा रही है। बड़नगर के व्यापारी हैं ब्रजमोहन नीमा, उनका भतीजा विनय, कर्मचारी के ड्राइवर के साथ में ये लोग दसई से हाट करके आ रहे थे। तत्तीगारा से करीब 2 किलोमीटर हाईवे रोड पर एक बेलोरो वाले ने ओवरटेक करा और उनकी गाड़ी को रोक के उनके पास में जो सोने चांदी के जेवरात रखे थे वो लूट के ले गए। गाड़ी भी पत्थर मार के गाड़ वहां छोड़ दी है। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है, अनुसंधान कर रहा है। कितने का माल होगा लगभग? अभी तो जो फरियादी ने लिखाया है 50-60 लाख के करीब वो लिखा है, जांच कर रहे हैं उसमें। कड़ोतकला से आदित्य राज धाकड़ की रिपोर्ट। लेबर नया गांव फोर लेन पर रतलाम रोड पर बदनावर के पास बाइक सवार को ट्रक ने मारी टक्कर, जिसमें 3 लोग घायल हुए, जिनमें एक गंभीर उपचार के लिए जिसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। वहीं 5 साल की बच्ची की हुई मौत, कश्यप स्वीट नर्स के पास हुआ हादसा। बाइक सवार बिलपांग गांव के निवासी है। कड़ोतकला से आदित्य राज धाकड़ की रिपोर्ट। फिल्म पद्मावती के गाने घूमर पर प्रतिबंध लगाने के लिए नगर तलेन में सर्व क्षत्रिय राजपूत समाज क्षेत्र तलेन के नेतृत्व में आने वाले राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस पर होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों में घूमर गाने का प्रदर्शन ना हो, इसके लिए नगर परिषद तलेन के नाम ज्ञापन दिया। कार्यक्रम में क्षेत्र के सभी राजपूत उपस्थित थे। तलेन ब्लॉक से विनोद ठाकुर की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत बड़वेली में आज आनंद उत्सव का आयोजन रखा गया, जिसमें स्कूल के बच्चे और ग्रामीण जन उपस्थित थे, जिसमें सरपंच साहब, सचिव और रोजगार सचिव उपस्थित थे। स्कूल शिक्षक यादव ने सभी को आनंद उत्सव के बारे में जानकारी दी। मध्य प्रदेश सरकार विगत काफी वर्षों से अनेक प्रकार की जन कल्याण योजना बनाए रही है, क्रियान्वयन हो रहा उनका, जैसे मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, इसी प्रकार से ये समस्त प्रदेश के समस्त नागरिकों को आनंद प्रदान करने के लिए। समस्त नागरिकों को या सिर्फ स्कूली छात्रों को? सभी इसमें स्कूली छात्र से लेकर ग्राम पंचायत के अंतर्गत जितने भी नागरिक महिला पुरुष जी या जो भी यहाँ पे शामिल हो सके, उसके लिए एक आनंद प्रदान करने की एक अभिनव योजना है जो विगत वर्षों से प्रारंभ है और ये सतत चलती रहेगी। तलिंग ब्लॉक से विनोद ठाकुर की रिपोर्ट। उमरिया जिले के कलेक्टर माल सिंह की पहल से नेकी की दीवार का हुआ शुभारंभ। इस नेकी की दीवार में करीब तबके के लोगों को ठंड से बचने के लिए आवश्यकता अनुसार इन्हें कंबल, कपड़े आदि फ्री में उपलब्ध होंगे। उमरिया के पुराने बस स्टैंड में 7:00 बजे कलेक्टर व नगरपालिका के CMO हेमेश्वरी पटेल कंचन खट्टर की उपस्थिति रही। इस अवसर पर लगभग 40 गरीब लोगों को कंबल की आवश्यकता अनुसार कपड़े उपलब्ध कराए गए। नगरपालिका उमरिया ने भी अपना पूर्ण रूप से सहयोग प्रदान किया। जिनके पास आवश्यकता अनुसार कपड़े व इस नेकी की दीवार में दान कर सकता है, जिससे गरीब अपने आवश्यकता अनुसार प्राप्त कर सकते हैं। नेकी की दीवार अभी तक नए बस स्टैंड पे था, आज हम सिटी के बीच में स्थापित किया है और इसका बढ़िया रिनोवेशन नगरपालिका के सहयोग से हुआ है और इसको अब और अच्छे ढंग से इसको चलाएंगे और इसमें सभी का हम सहयोग अपेक्षित है। जो भी व्यक्ति इसमें कपड़े के रूप में, कंबल के रूप में, जिसमें भी दान यहाँ पे उपलब्ध करा सकते हैं, वो हम उनका स्वागत करते हैं। उमरिया से नीरज सिंह रघुवंशी की रिपोर्ट। आस्टा जावर तहसील के ग्राम मोरावर पहुंचे प्रभारी मंत्री रामपाल सिंह। कनिया खेड़ी तालाब को लेकर 16 तारीख को खड़ी जोड़ 40 गांव के किसान भोपाल मुख्यमंत्री से पैदल यात्रा कर पहुंचने वाले थे, जिसको लेकर पूरे जिले का शासन प्रशासन किसानों को पिछले हफ्ते से लगातार मनाने में लगे थे, लेकिन किसान भाइयों ने अपनी मांगों को लेकर अड़े रहे। एक दिन पहले SDM तहसीलदार विधायक भी पहुंचे थे, लेकिन किसान भाई नहीं माने, जिसको लेकर आज प्रभारी मंत्री रामपाल सिंह राय सिंह
वैधव, मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम अध्यक्ष तिहोर कलेक्टर तरुण कुमार पिथोड़े, एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ग्रामीणों से मिलने ग्राम हाजीपुर पहुंचे, जहां किसानों की मांग 45 दिनों में पूरा करने की प्रभारी मंत्री के आश्वासन पर माने। ग्रामीणों की पैदल यात्रा स्थगित, क्षेत्रीय विधायक रंजीत सिंह गुरुगान, जिला पंचायत अध्यक्ष उर्मिला मरेठा, पूर्व जिला भाजपा अध्यक्ष ललित नागौरी भी मौजूद थे। ग्राम हाजीपुर के बाद प्रभारी मंत्री रामपाल सिंह एवं एकात्म यात्रा के प्रभारी राय सिंह सैनव ने आष्टा विश्राम गृह पर भाजपा नेता पदाधिकारियों से 21 जनवरी को आष्टा आने वाली एकात्म यात्रा को लेकर चर्चा की। आष्टा से जहूर मंसूरी के साथ शेख फैजान की रिपोर्ट। श्री गोसाई बाबा शांति भूमि आश्रम केंदा मऊ रोडा में पिछले 22 वर्षों से श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का आयोजन हो रहा है, जिसमें आज वृंदावन धाम से पधारे बाल व्यास श्री ब्रजेश कुलकर्णी जी का सिकंदरा विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी बहुआ त्रिवेदी व मनोज यादव ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। वहीं श्री कुलकर्णी ने बताया कि ईश्वर की शरण में आकर ही इंसान को सच्ची शांति की प्राप्ति हो सकती है। वहीं आयोजक राजेश शर्मा, ठेकेदार रामजी ठाकुर, बबलू कमल, मनीष प्रजापति, राम अवतार कश्यप, बलराम कश्यप आदि लोगों ने बताया कि पिछले 22 वर्षों से लगातार कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें सभी गांव व क्षेत्र वासियों का पूरा सहयोग मिलता है और विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है। हम चाहते हैं हमेशा जो भी भक्त हैं, जो भगवान की सच्ची अनुयायी है, उनका सदैव ध्यान भगवान के चरणों में बना रहे। हर इंसान की ऐसी प्रवृत्ति हो जाए कि भगवान के प्रति जिस प्रकार इंसान भगवान को पूजते हैं, ठीक उसी भांति है उनका विश्वास इस प्रकार जागृत हो जाए कि सदैव जो भी कार्य करें वो भगवान के निमित्त होकर के करें, जो भी कार्य करने की इच्छा करें तो भगवान को सौंप करके भगवान के प्रति आस्था बना करके ही करें। ऐसे हमारी विचार सदैव जनता के लिए, सभी भक्तों के लिए होते हैं। कानपुर देहात से ज्ञान सिंह की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के कलाकार दे रहे हैं मनमोहक प्रस्तुति, उमड़ रहा है जनसैलाब। जी हाँ, इंदौर के मूसाखेड़ी में राधा कृष्ण धर्मशाला के पास रामलीला मैदान आलोक नगर में रामलीला का सरस आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भगवान श्री राम के चरित्र का भावपूर्ण चित्रण किया जा रहा है। भगवान श्री राम के चरित्र के जीवन को यहाँ पर आए कलाकार बखूबी निभा रहे हैं। रामायण रामलीला मंडल काशी उत्तर प्रदेश के कलाकारों द्वारा शाम 7 बजे रामलीला की प्रस्तुति दी जा रही है। आप सभी से नम्र निवेदन है कि आप अपने सब परिवार सहित आए हो, धर्म लाभ लेवे एवं अपनी श्रद्धा अनुसार कलाकारों को तन मन धन से सहयोग करें। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर 9। ओंकारेश्वर में हो रहे नगर परिषद चुनाव में नगर अध्यक्ष पद पर खड़े श्री अंतर सिंह आर्य की जीत की मजबूती बढ़ाने के लिए ओंकारेश्वर बना दिग्गजों का मैदान। प्रभारी मंत्री श्री पारस जैन, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं खंडवा सांसद श्री नंद कुमार सिंह चौहान तथा खंडवा महापौर श्री सुभाष कोठारी सहित पहुँचे सभी भाजपा पदाधिकारी। भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार है और यह वह सरकार है जो कहती है और वो करती है। उसी प्रकार से ओंकारेश्वर नगर पंचायत के चुनाव चल रहे हैं और उसमें भारतीय जनता पार्टी के 15 प्रत्याशी और अध्यक्ष के रूप में यहां पर लड़ रहे हैं और वे सारे प्रत्याशी एक विकास की गाथा लिखने के काम को लेकर निकले हैं और हमारा और पार्टी का एक ही कहना है कि जब यहां का ओंकारेश्वर नगर जो है पर्यटक स्थलों की नगरी है और यहाँ का व्यापार उसी के ऊपर निर्भर रहता है, इसलिए यहाँ पर मेरा यह ओंकारेश्वर वासियों से भी आग्रह निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी की परिषद के साथ अध्यक्ष जिताकर भारी बहुमत से विजय बनाए। अध्यक्ष जी के नेतृत्व में अभी मैं उस रैली में भी आया था, सुबह से मैं आया हूँ। यहाँ के जो अध्यक्ष हैं बारे वो भारी बहुमत से जीतने वाले हैं और जहाँ 15 पार्षद है उसमें से हम 13-14 पार्षद निकल जीते हैं। भारतीय जनता पार्टी की यह बहुमत के साथ जीतने वाली है क्योंकि ओंकारेश्वर में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी खूब सारे काम कर रहे हैं और जो शंकराचार्य जी की मूर्ति का अनावरण हुआ है उसका भी फायदा हमको मिलने वाला है। मैं ये चाहता हूँ, ये धार्मिक नगरी है
और धार्मिक प्रवृत्ति के लोग ही इतना अच्छे और हमने जो पढ़े हैं वो सब धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं। मैं भी जनता से निवेदन करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा वोट उनको देकर भारी बहुमत से जीता है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्री अंतर सिंह और वार्डों में खड़े सभी पार्षदों को जनता का भारी समर्थन मिल रहा है। ओंकारेश्वर में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान ने जो यहां पर विकास काम किए हैं सिंहस्थ में, जनता भारी प्रभावित है। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसमें एक गरीब को 2.5 लाख रुपया घर बनाने के लिए दिया जा रहा है, उस योजना से भी गरीब जनता प्रभावित है और यहाँ भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत मिलेगा। सर, जैसा कि अभी कांग्रेस का आरोप आया है कि अगर भाजपा को अगर कांग्रेस को वोट दिया तो बोला कि आपको प्रधानमंत्री आवास से नाम काट देंगे, तो इसका क्या खंडन करेंगे? ऐसा कहीं भी नहीं कहा है। हम इस तरीके की ओछी राजनीति कतई नहीं करते। हम तो गरीब जनता का आशीर्वाद मानते हैं। ये धौस दपट की राजनीति कांग्रेस करती आई है, हम तो सेवा की राजनीति करते हैं। सर, आने वाली 22 तारीख को जो पीएम और सीएम दोनों का आने का चल रहा है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। देखिए, इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी को तो निमंत्रण दिया है, लेकिन अभी तक उनके तरफ से कंफर्मेशन नहीं मिला है। उनकी कुछ बाहर के विदेश यात्रा का पहले से कुछ कार्यक्रम बना हुआ था, पर मैं अभी इधर चुनाव में रहने से मेरी वहां पर बात नहीं हुई है, लेकिन कार्यक्रम भव्य होगा और ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा, यादगार कार्यक्रम होगा। सर, ऐसी जानकारी लगे कि जो आने वाला जो कार्यक्रम है उसके लिए जो साधु संत आएंगे, थापने के पास जो जमीन ली हुई है उसमें गवर्नमेंट निधि से कुछ पैसा दिया गया, उसके बारे में क्या कहेंगे? यदि किसी की जमीन देंगे तो उसको उसका राशि देंगे, उसकी फसल की जो राशि बनती है। सर, जो फसल जो हमने एरिया देखा तो वो फसल के हिसाब से अमाउंट कुछ ज्यादा नहीं लग रहा है कि जो 22 लाख का अमाउंट बताया जा रहा है कि जमीन के लिए? नहीं, मुझे ये नहीं मालूम क्या दिया। खंडवा से नारायण प्रजापति की रिपोर्ट। भारतीय जनता युवा मोर्चा की जिला स्तरीय बैठक बोड़ा नगर में आयोजित हुई, जिसमें मुख्य अतिथि भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष पवन शर्मा रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता चंद्र सिंह रूहेला द्वारा की गई। कार्यकर्ताओं ने बोड़ा बस स्टैंड पर जिला अध्यक्ष का भव्य स्वागत किया गया। बैठक में भाजपा कई सारे जिला पदाधिकारी उपस्थित रहे और प्रदेश से लेकर राज्य सरकारी योजना एवं कार्यों पर प्रकाश डालते हुए सैकड़ों कार्यकर्ताओं को संबोधित किया गया। बैठक में NSUI उपाध्यक्ष रवि पाल ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। इस मौके पर समस्त पदाधिकारी सहित जिला अध्यक्ष पवन शर्मा ने भव्य स्वागत किया गया। एक भारतीय जनता पार्टी एक अपनी बोली होती है, इसके अंग होते हैं किसान मोर्चा, युवा मोर्चा, कोई हाथ होता है, कोई कान होता है, कोई नाक होता है। तो इस बोली का हर अंग जब काम करेगा, जब बोली का संचार होगा, उस संचार को साकार कौन करेगी? युवा शक्ति बेटी की सरकार। आज हम देख रहे हैं ऐसे मुख्यमंत्री जो दिन और रात रुकते नहीं है, दिन और रात चलते हैं, राजगढ़ मंडावर से नितेश सेन की रिपोर्ट। राजगढ़ मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध धर्म स्थली राजगढ़ जिले के भेस्वा माता में 22 जनवरी से आयोजित होने वाले वार्षिक मेले की व्यवस्थाओं को लेकर स्थानीय धर्मशाला में विदासन माता मंदिर ट्रस्टी की बैठक SDM SS सोलंकी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में मेले की व्यवस्था एवं सुरक्षा व्यवस्था सहित अनेक अहम फैसले लिए गए। बैठक में जनपद पंचायत के CO विनीत त्रिपाठी, तहसीलदार विजय सेन, SDOP प्रकाश मिश्रा सहित अनेक विभागों के अधिकारी एवं ट्रस्ट समिति के सदस्य मौजूद रहे। आज मंदिर समिति की बैठक में जो आगामी मेला 22 जनवरी से स्टार्ट होना है माता जी का, उसके विषय में बहुत महत्वपूर्ण जो भी कार्यवाही है उसके संबंध में निर्णय लिया गया है ट्रस्ट के द्वारा, जिसमें मेले में पार्किंग व्यवस्था, बैरिकेडिंग, यात्रियों के रुकने, पीने के पानी, शौचालय, चिकित्सा के संबंध में ये
जितने भी पॉइंट हैं सभी पॉइंटों पे विस्तृत रूप से बातचीत की गई है और सारी व्यवस्थाएं ट्रस्ट और लोकल अधिकारियों के मार्गदर्शन में सभी व्यवस्थाएं यात्रियों की सुविधा के लिए की है। यहाँ पे पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बल रखा जाएगा संपूर्ण मेले के दौरान, और हम साथ में लोकल जो पदाधिकारी हैं प्लस हमारी जो ग्राम रक्षा समिति है उसका भी सहयोग लेंगे, और सभी लोगों से हमने निवेदन किया है कि जहां भी कोई सुरक्षा में कोई आपको आवश्यकता महसूस होती है उससे हमको अवगत कराएंगे, जिससे कि हम सुरक्षा व्यवस्था को और भी बेहतर करने में सक्षम होंगे। सारंगपुर से पवन पाटीदार की रिपोर्ट। बरामेटकर में मंगलवार मिशन एबी सिंह सिटी पब्लिक स्कूल विद्यालय में खिचड़ी भोज का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल के बच्चे व माता पिता ने खिचड़ी भोज में अहम सहयोग किया। बच्चों को मकर संक्रांति के महत्व के बारे में भी बताया गया और हिंदू संस्कृति के बारे में भी जानकारियां दी गई, तो वहीं अनुशासन की महत्वता को भी बताया गया। प्रत्येक वर्ष की भांति आज आयोजन को भव्य रूप से मनाया गया। हमेशा होता है बड़ों के बीच में, जी सर, तो मैंने सोचा छोटे छोटे बच्चों के बीच में, छोटे बच्चे और बुजुर्ग एक समान होते हैं, जी, तो छोटे बच्चों के बीच में खिचड़ी का एक भोज किया जाए, जी, और उनकी अभिभावक के रूप में, उनकी माँ के रूप में, यहाँ की जो टीचर हैं उन्होंने खुद बनाने का उठाया कि खुद हम बनाएंगे और बच्चों के साथ में खिचड़ी भोज करेंगे। बच्चों के माता पिता ने भी यहाँ माता पिता भी सारे आमंत्रित हैं, जी, और उनको उनके बच्चे खिचड़ी का करके उनको खिचड़ी खिलाएंगे, छोटे छोटे बच्चे उनके अपने माता पिता को भी खिचड़ी खिलाएंगे, तो उससे क्या होगा आपस में माता पिता और बच्चों के बीच में एक प्रेम की भावना और एक सम्मान की भावना जागती है, और छोटे बच्चे भी इस त्यौहार को एक उनके जहन में होता है खिचड़ी भोज कुछ होता है जिससे वो विरासत में आगे चल के उनको खिचड़ी भोज से और खिचड़ी के महत्व को समझ सके, इसलिए खिचड़ी भोज स्कूल में किया गया। आगे कानपुर से रामपाल शर्मा की रिपोर्ट। नसरुल्लागंज नगर के इंदौर भोपाल रोड स्थित थाने के गेट के सामने पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें ट्रक डंपरों पर चालानी कार्रवाई की गई, जिससे ट्रक डंपर चालकों में हड़कंप मच गया। पुलिस द्वारा ऐसे डंपरों को रोका गया जिनमें नंबर प्लेट ही नहीं है, ड्राइवर के पास लाइसेंस नहीं है एवं बीमा फिटनेस बीमा चेक किए गए, जिसमें कई अनियमितताएं पाई गई। ऐसे लगभग 12 डंपरों पर कार्रवाई करते हुए ड्राइवरों को समझाइश दी गई एवं 6000 रुपए संबंध शुल्क वसूला गया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार वाहन चेकिंग अभियान समय समय पर चलाया जाएगा, जिससे अवैध रूप से चल रहे ट्रक डंपरों पर रोक लगाई जा सकेगी, तो वहीं दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी। नसरुल्लागंज से रमाकांत मंसूरी के साथ सलीम खान की रिपोर्ट। नसरुल्लागंज नगर की अग्रणी अशासकीय संस्था विरामचल अकादमी स्कूल तल में कक्षा 5वीं से कक्षा 10वीं तक की 72 छात्राएं एवं 12 शिक्षक शिक्षिकाएं भ्रमण दल में शामिल थे। भ्रमण दल इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय विरामचल अकादमी स्कूल फॉर गर्ल्स स्कूल का वार्षिक श्रेणी भ्रमण दल इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल एवं वन विहार का भ्रमण किया गया। इस अवसर पर कई रोचक जानकारियां हासिल की गई। मानव संग्रहालय में छात्रों को 19वीं सदी से वर्तमान समय तक की विभिन्न प्रकार के मानव संसाधन की जानकारियां हासिल करते हुए साथ ही वन विहार में अनेक जाति प्रजाति के वन प्राणी जैसे शेर भालू चीता मगरमच्छ जैसे नए नए जानवरों को प्रत्यक्ष रूप से देखा, तो वहीं समस्त वन प्राणियों से जुड़ी कई जानकारियां हासिल की। नसरुल्लागंज से रमाकांत मंसूरिया के साथ सलीम खान की रिपोर्ट। विश्वनाथ धाम देवपुर में मकर संक्रांति पर हुआ विशेष स्नान। मकर संक्रांति पर बाबा भोलेनाथ की नगरी देवपुर में पवित्र कुंड में हजारों श्रद्धालुओं ने स्नान कर मकर संक्रांति का पर्व मनाया एवं सभी ने बाबा भोलेनाथ के दर्शन भी किए। सभी ने मेले में राम लीला एवं झूलों का आनंद उठाया। भारी संख्या में लोग सभी मंदिरों पर जयकारे लगा रहे थे। पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा जी ने मालवी समाज के मंदिर का भूमि पूजन किया। पूर्व मंत्री के साथ अनेक भाजपा नेता एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। पूर्व मंत्री ने बाबा भोलेनाथ के दर्शन एवं सभी की खुशहाली की कामना की। सिरोंज से संतोष जैन की रिपोर्ट।
आगर जिले के सुसनेर तहसील के ग्राम खेराना में जन चेतना शिविर एवं महिला सुरक्षा जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह, महिला सेल प्रभारी सुनीता कटारा, एसपी अजाक ज्योति भार्गव ने महिलाओं को अपने अधिकारों के बारे में बताया। आगर एसपी मनोज सिंह, डीएसपी अजाक ज्योति भार्गव, थाना प्रभारी ओपी मोहटा व महिला सेल प्रभारी सुनीता कटारा मौजूद थे। जन चेतना शिविर के माध्यम से पुलिस और आम जनता के बीच समन्वय बनाने की कोशिश की गई। जन चेतना शिविर का आयोजन ग्राम के सरपंच राधेश्याम सूर्यवंशी के द्वारा किया गया। शिविर में अज्जा जज्जा वर्ग के लोगों को उनके अधिकारों के बारे में बताया गया और समस्याओं को सुनकर उसका समाधान किया गया। पुलिस वो नहीं रह गई है कि आपके साथ कोई घटना हो, कोई विवाद हो, कोई चोरी हो, कोई मारपीट हो तो आप पुलिस को याद करें। पुलिस आपके हर सुख दुख में साथ रहना जानती है और रहेगी। आगर मालवा से सोनू खान की रिपोर्ट। विधायक के जन्म दिवस पर खातेगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर रोग निदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में सेल्फी हॉस्पिटल इंदौर के डॉक्टर द्वारा मरीजों का उपचार किया गया। इस शिविर में 2000 लोगों ने स्वास्थ्य परीक्षण करवाया तो वहीं शिविर में हृदय रोग विशेषज्ञ, किडनी रोग विशेषज्ञ, जोड़ प्रत्यारोपण रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, नसों के विशेषज्ञ, स्त्री रोग एवं निसंतान विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मरीजों का उपचार किया गया। वहीं शिविर में एमवाई हॉस्पिटल से डॉक्टरों की टीम भी बुलाई गई थी। टीम ने ब्लड डोनेट के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया। 100 से अधिक लोगों ने रक्तदान किया। भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ ही अन्य लोगों ने बढ़ चढ़ कर विधायक के जन्म दिवस पर रक्तदान किया। खातेगांव क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय आशीष जी शर्मा के जन्म दिवस के अवसर पर आज नगर परिषद खातेगांव के द्वारा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें सेल्फी हॉस्पिटल इंदौर के चिकित्सक विशेषज्ञों द्वारा लगभग 2000 मरीजों का स्वास्थ्य प्रशिक्षण किया गया और उन्हें यहां पर मुफ्त में दवाइयां भी दी गई। हमारे विधायक की मंशा थी कि मेरे जन्मदिवस के अवसर पर एक अच्छा स्वास्थ्य शिविर लगाया जाए। खातेगांव से श्रवण पवार की रिपोर्ट। तो ये थी आज की खबरें, बने रहिए हमारे साथ खबर लाइन। ग्लोबल एडवर्टाइजर फॉर इनोवेटिव आउटडोर सॉल्यूशन। ग्लोबल एज अ कंपनी इट हैज नेवर कॉम्प्रोमाइज्ड ऑन इट्स सर्विस क्वालिटी and commitment, and that is the reason our clients do keep on coming again and again to us for our service. The mission of the company is to rise on the graph of betterment for every campaign handled by us. Global advertiser for innovative outdoor solutions.